सोनी टीवी पर रिसेंटली स्टार्ट किया गया एक नया शो जो होने जा रहा है ऑफेयर। आखिर इस शो को क्यों किया जा रहा है ऑफेयर और ऐसी क्या नौबत आ गई है जो मेकर्स को चंद महीनों में ही अपने शो को वेयर ऑफ करना पड़ रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ भी शेयर करते हैं इस शो से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो शायद आपको ना पता हो, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ये शो यशोमती मैया के नंदलाला, ये एक माइथोलॉजिकल ड्रामा शो था जिसको सोनी टीवी ऑन एयर किया गया था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस शो को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, शो को चंद महीने ही हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस ड्रामा शो की टीआरपी लगातार डाउन जा रही है और वो भी 8:30 बजे के टाइम स्लॉट पे, जो कि एक अच्छा टाइम स्लॉट माना जाता है, तो ऐसे में मेकर्स अब इस शो को ज़्यादा नहीं खींचना चाहते हैं। वो अपने नए शो को इसी टाइम स्लॉट पर रखना चाहते हैं जिसके चलते अब ये शो ऑफ एयर हो जाएगा। वैसे नेहा संग्राम और हितेन जिसनी का ये शो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, जिसके चलते इस शो को आप कह सकते हो एक फ्लॉप माइथोलॉजिकल शो रहा। शो को ऑडियंस बिल्कुल भी सिरे से नकार चुकी है और इसको रिप्लेस कर सकता है, हो सकता है आने वाले दिनों में सोनी टीवी पे जो अनकही कथा जो लाई जा रही है, जिसको 1001 नाइट्स की टर्किश ड्रामा से रिलेट करके बताया जा रहा है, वो शो इस शो को रिप्लेस करेगा। वैसे ये शो इसी साल के अंत तक ऑफ एयर हो जाएगा सोनी टीवी से। लगातार जिस तरीके से टीआरपी इस शो की गिरती जा रही है, मेकर्स अब इस शो में इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। तो वेल, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा दोस्तों, क्या ये शो को ऑफेयर कर देना चाहिए या आपको लगता है कि माइथोलॉजिकल शो में तो उतार चढ़ाव ज़रूर आते रहते हैं, ऐसे में थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।